हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे चैनल होमली वेज कुकिंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना प्याज लहसुन का आलू दम रेसिपी। अगर आप लोग को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। आलू दम बनाने के लिए इधर चार आलू अच्छे से धो के काट ली हूँ। इसमें डालूंगी थोड़ा नमक, डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इधर ऑयल गर्म हो गया है, अभी इसमें आलू डाल के 10 मिनट फ्राई करूँगी। 10 मिनट के बाद आलू फ्राई हो गया है, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। मसाला के लिए ली हूँ एक बड़ा टमाटर, अदरक, सूखा मिर्च, जीरा, दालचीनी और मगज, पोस्तदाना, इसका अलग अलग पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद इधर डाल रही हूँ सूखा मिर्च और थोड़ा जीरा, और जो मसाले का पेस्ट बना के रखी थी वही मैं डाल रही हूँ। डालने के बाद इधर मैं थोड़ा चला रही हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अभी मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। डालने के बाद मसाले को अच्छे से चला लूंगी। अभी डाल रही हूँ गरम मसाला। अभी डाल रही हूँ मगज और पोस्तदाना का जो पेस्ट बनाई थी वही डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद मसाला को अच्छे से चलाऊंगी। देखिए कितने सुंदर मसाला दिख रहा है, मसाला रेडी हो गया है। अभी डालूंगी इधर आलू और आलू को अच्छे से मसाला के साथ मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इधर डाल रही हूँ थोड़ा पानी और ढक के इसको 5 मिनट पकाऊंगी। पाँच मिनट हो गया है, अभी मैं ढक्कन खोल रही हूँ। देखिए कितने सुंदर आलू दम दिख रहा है, इसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।